सिनेमा हो या टीवी, उनके जो कलाकार हैं वो हमेशा अपने फैशन को लेकर के चर्चा में रहते हैं। और कई कलाकार तो ऐसे हैं जिन्होंने फैशन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं मृणाल ठाकुर, जो धारावाहिकों से शुरू होकर के आज हिंदी सिनेमा और तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वह अपनी एथेनिक पार्टी वियर्स में अक्सर दिखाई देती हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स में भी वो लाजवाब दिखती हैं। उनका चेहरा एक आम भारतीय लड़की की तरह है, बिल्कुल सामान्य लड़की की तरह, इसीलिए उन पर हर तरह की ड्रेस फिट लगती है, हर तरह की ड्रेस उनके ऊपर सजती है। यही वजह है कि बहुत सारी मैगजीन्स अपने कवर डिजाइन कवर के लिए उनको फोटोशूट करती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो आज मृणाल ठाकुर को अपनी मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। छोटे पर्दे पर मुझसे कुछ कहती हैं ये खामोशियां और कुमकुम भाग्य जैसे धारावाहिकों से हर घर में अपनी पहचान बनाने वाली मृणाल ठाकुर आजकल हिंदी सिनेमा में व्यस्त हैं और एक फैशन आइकन बन चुकी हैं। मृणाल ठाकुर का जन्म 1 अगस्त 1992 को हुआ था। धारावाहिकों में कामयाबी के बाद मृणाल ठाकुर को एक हिंदी फिल्म मिली 2012 में, लव सोनिया। हालांकि यह फिल्म 2018 में रिलीज हो पाई। उससे पहले 2014 में उनकी मराठी फिल्म विथी ढंडू और सुरजिया रिलीज हो चुकी थी। हिंदी सिनेमा में उन्हें पहचान मिली सुपर 30 फिल्म से, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो थे। सुपर 30 के बाद बाटला हाउस उनकी एक हिट फिल्म थी, जिसमें वे जान अब्राहम के साथ दिखाई दी थी। इसके बाद उन्होंने धमाका, तूफान जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सीता रामन से। सीतारामम मूलतः तेलुगु फिल्म थी जो हिंदी में भी डब होकर के रिलीज हुई थी। मृणाल ठाकुर हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी सक्रिय हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में आँख मिचोली, पूजा मेरी जान, पीपा, ही नाना शामिल हैं। फिल्मों से अधिक मृणाल ठाकुर की चर्चा फैशन को लेकर के होती है। उनका फैशन सेंस उन्हें एक फैशन आइकन बना चुका है। चाहे वो देसी भारतीय पहनावे हों या विदेशी आउटफिट्स हों, वे हर तरह की पोशाक में सुंदर लगती हैं। उनके साड़ी के कलेक्शन, उनके लहंगे के कलेक्शन, उनके ज्वेलरी का कलेक्शन, वो हमेशा ट्रेंड में रहता है। विभिन्न ब्रांडों के लिए, मैगजीन्स के लिए वे शूट करती ही रहती हैं। मृणाल ठाकुर के पास शानदार फैशन सेंस है और उन्हें सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग लुक्स दिखाना पसंद है। अभिनेत्री लगातार अपने आकर्षक ड्रेसेस सेंस के साथ फैशन की दुनिया में सक्रिय रहती हैं। बेहतर डिजाइनर एथनिक पार्टी वियर में हो या फिर साड़ी में या लहंगा चोली में, वो हर तरह की पोशाक में शानदार दिखाई देती हैं।
मृणाल ठाकुर की एक फिल्म थी जर्सी। यह फिल्म क्रिकेट ड्रामा फिल्म थी, क्रिकेट को समर्पित थी। इस फिल्म के हीरो थे शाहिद कपूर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। इसका नुकसान भी मृणाल को हुआ, लेकिन उनकी एक्टिंग की लोगों ने सराहना की, इसीलिए उनको अगली फिल्में मिलती गईं। इस बारे में मृणाल का कहना भी है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं सिर्फ एक्टिंग को ही प्रायोरिटी देती हूँ। मैं फिल्म की स्क्रिप्ट देखती हूँ। एक अच्छी कहानी अगर फिल्म की है तो उसका रोल भले ही स्टीरियोटाइप हो या कमज़ोर हो, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। वह यह भी कहती हैं कि एक ही तरह की भूमिकाएं करना चुनौतीपूर्ण होता है। आसान नहीं होता है कि आप एक भूमिका करें और फिर उसी से मिलती जुलती भूमिका किसी दूसरी फिल्म में करें। यह बात इसलिए उठी कि उन्होंने कुछ फिल्मों में लगातार पत्नी का रोल किया है, चाहे वो सुपर 30 हो या जर्सी हो या फिर बाटला हाउस हो। वह कहती हैं कि मैं अपनी तरफ से हर भूमिका में 100% अपना योगदान देने की कोशिश करती हूँ और मैं खुश हूँ कि लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। इसके अलावा मुझे और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृणाल के अभिनय प्रतिभा को सबसे ज़्यादा सराहा गया सीताराम में। सीतारामम फिल्म जो तेलुगु में थी और हिंदी में भी बनी, डब हुई, उसमें उनका रोल पावरफुल था। कि ठीक है, वो फिल्म बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय को सबने सराहा और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिले। मृणाल के अभिनय को लेकर के और उनकी शारीरिक संरचना को लेकर के, उनकी बॉडी को लेकर के कई तरह के कमेंट्स हुए हैं, कुछ उनके समर्थन में भी और कुछ उनके विरोध में भी। जैसे मृणाल इस बात की कोई परवाह नहीं करती है कि लोग कहते हैं कि मैं एक आइडियल बॉडी नहीं हूँ। एक हीरोइन के लिए जो 0 साइज की बॉडी होनी चाहिए वो मेरी नहीं है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरा काम अभिनय करना है, शरीर दिखाना नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि वह अपने हर काम में अपना पूरा आत्मविश्वास, पूरा फुल कॉन्फिडेंस दिखाती हैं और जो अपनी अभिनय की खूबसूरती है उसको लोगों के सामने लाती हैं। मृणाल इस समय 4 फिल्मों में काम कर रही हैं, जिसमें से नानी 30 जो है वो एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। इसके अलावा उनकी फिल्म जो है क्रिसमस पे आने वाली है, जिसमें मेरी जान और पीपा और आंख मिचोली जो एक कॉमेडी फिल्म है, यानी एक अलग तरह की भूमिका में मृणाल हमें नज़र आएंगी।